रायबरेली में एक वायरल वीडियो से सनसनी मच गई है। वीडियो के बारे में बताया जा रहा है कि पुलिस की मौजूदगी में जमीन पर कब्जा कराया जा रहा है। हालांकि पूरा मामला कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की तत्परता से जुड़ा है। मामला कुरबशगंज थाना इलाके के अटौरा चौकी क्षेत्र का है। यहां गांव में विजय शंकर शुक्ला और बाबा तीन मिश्रा का परिवार रहता है। दोनों के घर आमने सामने है और बीच में खड़ंजा लगी रोड है। यहाँ से नाली की निकासी को लेकर पूरा विवाद है। बाद में पुलिस ने दोनों पक्ष के बीच समझौता करा दिया है। इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव ने कहा कि गलत आशय से वीडियो वायरल करने वाले को चिन्हित कर उसके खिलाफ आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पे कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में यह दिखाई दे रहा है कि कुछ पुलिस कर्मी जो है वो खड़े हुए हैं और उनके सामने एक नाली खोदी जा रही है। उस वीडियो के बारे में ये भी बताया गया कि ये पुलिस खुद ही खड़ा होकर ये कब्जा करा रही है। पुलिस के संज्ञान आने पर इसमें हम लोगों ने जांच कराई गई तो ये पता चला कि ये अटौरा बुजुर्ग थाना गुरबख्शगंज का वीडियो है, जिसमें दो परिवारों के बीच जो है वो नाली में पानी बहने का विवाद था और जिसमें से एक पक्ष ये खोद के दिखा रहा है कि यहाँ पर नाली है, उसी का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया। और जबकि इसमें आगे बात ये थी कि वहाँ पर पहले नाली बहा करती थी और फिर उसमें खड़ंजा लग गया था जिससे एक घर का पानी निकल नहीं पा रहा था, तो पुलिस ने वहाँ पर मौके पर जाकर इसको नाली को नीचे से निकलवा के उसमें पाइप डलवा दिया और ऊपर से खड़ंजा लगवा कर दोनों पक्षों के बीच में आपस में शांति समझौता हो गया और अब वहाँ पर कोई समस्या नहीं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।